क्वेश्चन नंबर 4.11, अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन स्टेट रोड फ्रॉम द स्टेशन. अ डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग अ सर्कुलर पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स. व्हाट इज, क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक पैसेंजर एक नए टाउन में अराइव करता है और वह चाहता है कि वह स्टेशन से होटल में जाए, स्टेशन से होटल तक का डिस्टेंस स्ट्रेट रोड से 10 किलोमीटर है, बट एक डिसऑनेस्ट मीन एक बेईमान कैब वाला उस पैसेंजर को स्ट्रेट रोड से ना ले जाके एक सर्कुलर पास से लेके जाता है ताकि उस कैबमैन की अर्निंग कुछ ज्यादा हो, क्योंकि स्ट्रेट रोड से अगर वह डिस्टेंस ट्रेवल करता तो 10 किलोमीटर होता, बट सर्कुलर पाथ से जो डिस्टेंस ट्रेवल है वह हमें 23 किलोमीटर गिवन है. ऐसा करने में उसे 28 मिनट्स लगते हैं. हमसे क्वेश्चन में यह पूछा गया है ए पार्ट एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी, मीन उस टैक्सी की एवरेज स्पीड क्या होगी, और सेकेंड हमसे यह पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और फिर यह भी बताना है कि क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होंगे या नहीं. पहले हम एवरेज स्पीड को फाइंड करते हैं. जैसा कि हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है, क्योंकि वह कैब वाला 23 किलोमीटर वाले डिस्टेंस से लेके गया, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम टेकन हमें गिवन है 28 मिनट. हमें स्पीड का फार्मूला पता है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 23 किलोमीटर था, वो हमने पुट कर दिया. टाइम हमने यहां 28 मिनट पुट किया, मिनट्स को 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर लिया, तो हमारे पास इसको सोल्व करके आएगा 49.29 किलोमीटर पर आवर. अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं. एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मींस जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं हमें डिस्प्लेसमेंट की नीड पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हमें पता है स्टेशन से होटल तक का जो डिस्टेंस था वह 10 किलोमीटर था, वह हमें गिवन था, जो कि हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट होगा. एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें 10 किलोमीटर गिवन है, टाइम हमें 28 मिनट्स मींस 28 बाय 60 कर देंगे, ये आवर्स में आ जाएगा. इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर. हम देख सकते हैं दोनों का आंसर डिफरेंट है, मीन एवरेज स्पीड का आंसर यह था और एवरेज वेलोसिटी का आंसर यह आया है. इसीलिए हम कहेंगे कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी मीन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में इक्वल नहीं है. यही अपना आंसर होगा. थैंक यू वेरी मच.